एक्स और वाई पार्टनर हैं और उनकी पार्टनरशिप डीड में ये फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशन थे कि अकाउंट जो हैं वो हर साल 31 मार्च को क्लोज किए जाएंगे और जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ इस तरह से शेयर किए जाएंगे कि एक्स लेगा हाफ शेयर, वाई लेगा 1/3 शेयर और जो बचा हुआ 1/6 है वो रिजर्व में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर उसके एग्जीक्यूटर को ये सब चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो उसके डेट ऑफ डेथ पर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है बच्चों। उसको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। जो पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स होंगे, ठीक है, जिस ईयर में डेथ हुई है उससे पहले के 3 कंप्लीटेड ईयर्स, उनके एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उस पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, उसका हिस्सा दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी पिछले साल के जो पिछले 3 साल के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसका जितना भी हिस्सा होगा वही उसकी गुडविल के तौर पे उसको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। पिछले 3 साल के टोटल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, इनटू जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा और वही उसकी गुडविल निकल आएगी, ठीक है बच्चों। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। कैपिटल्स एक्स और वाई की थी ₹9,000 और ₹6,000। उसके अलावा रिजर्व थे ₹3,000 और क्रेडिटर्स थे ₹3,000। ये था आपकी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में सनरी एसेट्स थे ₹21,000। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, जो पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स थे। तो जो पहला साल था उनमें से वो था 31 मार्च 2021 में जो एंड हुआ था उसका प्रॉफिट था 4,200। उसके बाद जो 31 मार्च 2022 को एंड हुआ था उसका प्रॉफिट था ₹3,900। और जो 31 मार्च 2023 को एंड हुआ था उसका प्रॉफिट था ₹4,500। और इन दोनों पार्टनर में से जो डेथ हुई है वो ही है वाई की, और वो डेथ हुई है ऑन 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2023 सॉरी। तो यानी वाई की डेथ हुई है और उसने इस साल 4 महीने काम किया है। आपसे कहा गया अब नेसेसरी अकाउंट बनाइए, ठीक है बच्चों। अब नेसेसरी अकाउंट के अंदर आपको एक बनाना होगा वाई का कैपिटल अकाउंट और एक छोटा सा बनाना होगा वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो बच्चों ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है इसको ही ढंग से समझिए कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्स जो है प्रॉफिट का हाफ शेयर करता है, वाई 1/3 शेयर करता है और जो 1/6 है वो रिजर्व में चला जाता है। लेकिन अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो जो रिजर्व होता है वो तो बांटा जाता है, ना कि फर्दर क्रिएट किया जाता है। तो आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है केवल एक्स और वाई के बीच का निकालिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि रिजर्व अब बनाया नहीं जाएगा, उल्टा खत्म किया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई के बीच का कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हमने इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए, वो है 3/6, 2/6 और 1/6। अब 1/6 तो हटाई दीजिए, जो बचा वही एक्स और वाई के बीच का रेशियो है, दैट इज 3:2। तो ध्यान रखिएगा बच्चों रिजर्व बनाना नहीं है, उल्टा खत्म करना है। दैट्स वाई जो भी रेशियो निकाला जाएगा वो एक्स और वाई के बीच का ही देखा जाएगा, वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें प्रॉफिट बांटा जाएगा, इवन रिजर्व भी बांटा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो रेशियो है 3:2। 3/6 और 2/6 को कंपेयर करेंगे तो रेशियो बनेगा 3:2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वाई के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो 2/5 हो गया और एक्स का 3/5 हो गया। तो 3:1 में ना बांट के आपको जो भी बांटना है वो 3:2 में बांटेंगे, ठीक है, रिजर्व को इग्नोर करते हुए। तो सबसे पहले जो जो रिजर्व ही दे रखा है आपको ₹3,000, तो उसमें से वाई का हिस्सा निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 3,000 × 2/5, दैट इज ₹1,200, ठीक है बच्चों। तो वाई के हिस्से का रिजर्व तो आ गया ₹1,200, वाई के हिस्से की कैपिटल है ₹6,000। अब वाई के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना होगा। 3,900, 4,500 एंड 4,200 तीनों को जोड़ के अपॉन 3 कर दीजिए, इंटू 4/12 जितने महीने वाई ने काम किया, इंटू वाई का हिस्सा जो कि 2/5 है, याद रखिएगा बच्चों 2/6 नहीं है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा बच्चों ₹4,200 × 4/12 × 2/5।
जिसे आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों निकल कर आएगा आपका ₹560। ठीक है बच्चों, 4200 का 4x12 यानी 1/3 होता है 1400, 1400 इंटू 2 होता है आपका 2800, 2800 अपॉन 5 होता है 560। वाई के हिस्से गुडविल निकालनी है तो बच्चों कुछ ऐसे आएगी, वो उसके लिए कहा था पिछले तीनों साल का प्रॉफिट जो कि जोड़ेंगे तो 12600 आ जाएगा इंटू जस्ट वाई का हिस्सा। ठीक है बच्चों, क्विक क्वेश्चन में एवरेज निकालने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था पिछले तीनों साल का टोटल प्रॉफिट में जितना वाई का हिस्सा है, तो ये जरूर निकल कर आएगा बच्चों। ये आएगा बच्चों आपका 5040। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने वाई को दिया जाने वाले हर चीज़ निकाल ली है, वाई की गुडविल निकाल ली, वाई का प्रॉफिट निकाल लिया, वाई की कैपिटल तो हमें दे ही रखी थी, और वाई के हिस्से का रिजर्व निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब बस हमें बनाना है वाई का कैपिटल अकाउंट, तो बना लेते हैं। वाई के कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं उसके ओपनिंग बैलेंस से, उसके ओपनिंग कैपिटल से जो कि है ₹6000 जो कि बैलेंस शीट में दे रखी थी। वाई के हिस्से का जनरल रिजर्व लिखेंगे हम ₹1200 बाय जनरल रिजर्व। वाई के हिस्से का जो प्रॉफिट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट जो कि था ₹560। और जो वाई के हिस्से की गुडविल है वो एक्स से लेके वाई को दी जाएगी, बिकॉज जो रिमेनिंग पार्टनर है और जो गेनिंग पार्टनर है वो तो एक्स ही है, तो वाई के हिस्से की गुडविल थी 5040। ठीक है बच्चों, तो वो दे दिया जाएगा बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट के नाम से। और वाई के जो अकाउंट का टोटल बैलेंस आएगा, क्योंकि सब कुछ क्रेडिट में पोस्ट हुआ है, तो जो टोटल होगा वही उसका फाइनल बैलेंस होगा जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ये सब जोड़ के आएगा बच्चों ₹12800। इस 12800 को हम डाल देंगे वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो लिखा जाएगा वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 12800। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे एक छोटा सा अकाउंट और बना लेते हैं बच्चों, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो वाई का फाइनल बैलेंस था वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस था वो लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 12800, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसी अमाउंट से इसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में ₹12800 लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा एज वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसको एसेट साइड में लिखा जाएगा ₹560। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है ऑफ द न्यू फॉर्म, वैसे न्यू फॉर्म रही नहीं अब वो, बिकॉज अब केवल एक ही पार्टनर रह गया एक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन नॉर्मली अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ठीक है उसको जो है एसेट साइड में शो किया जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट को लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, वैसे मैं बता दूं बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रिवाल, एडिशन है बुक का 2023। ठीक है बच्चों,